हमने उठते ही दे दिया है मुझे एक 100 रुपीज वाला चैलेंज। वो लग रहा है मुझे मेरा 30 रुपए चले जाने वाले है और बचने वाला है बहुत ही। अगली बार 50 रुपए दूंगा मैं तुम्हें। नहीं नहीं नहीं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फैम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिष्टी मो शोबर प्रियो। आज है संडे और संडे जनरली मैं प्रेफर करती हूँ कि बहुत अच्छा अच्छा खाना खाऊं, सारे हफ्ते का चीट मील्स आज ही खाऊं। पर शिवम ने उठते ही दे दिया है मुझे एक 100 रुपीज वाला चैलेंज, यानी कि ये 100 रुपीज में मुझे खाना है दिन के पूरे मील्स। ओ माय गॉड, जोश जोश में मैंने तो ले लिया है बहुत बड़ी पंगा। अब देखते हैं मैं ये चैलेंज पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। तो चलो चलते हैं। यही है वो 100 रुपीज जो मुझे शिवम ने दिया है। लेट्स सी आज इसी 100 रुपीज से हम क्या क्या खा सकते हैं। सो गाइस फाइनली मुझे मिल गया है मेरा ब्रेकफास्ट का सामान। जी भैया यहाँ पे इडली वड़ा मेंदू वड़ा दाल वड़ा ये सब बेच रहे हैं। तो भैया कितने लग गए आपका? 20 रुपया में कितने पीस आते हैं? 4। वाओ, तो मेरा बनने वाला है अभी बहुत ही जबरदस्त ब्रेकफास्ट। नहीं बड़ा मेंदू बहुत ही टेस्टी। ये जो स्टॉप है ये है हमारा फन रिपब्लिक वाला रेट भी एकदम स्टार्टिंग में ही है। तो आप लोग को अगर ये टेस्टी इडली या वड़ा कुछ भी खाना हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे आओ और खाओ। वाह, मुझे तो लगा था मैं कर ही नहीं पाऊंगी पर कितना बजट डील मिल गया मुझे 20 रुपीज में। मेरा एक्चुअली बजट था 25 रुपीज ब्रेकफास्ट के लिए बट 25 मेरे 5 रुपये बच गए। तभी देखते हैं आगे भी और क्या क्या मुझे मिलता है खाने का। मुझे बहुत ही बजट डील मिल गया यार। तो फाइनली मैं अपना पहला पड़ाव पार कर चुकी हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा तो लेट्स सी। हो गया मेरा चेंज 80 रुपीज। अब इसी में पूरा दिन का खाना खाना है मुझे। तो चलो देखते हैं। तो ब्रेकफास्ट तो हो चुका है मेरा और हो गया है अभी लंच टाइम, मतलब अभी बज चुके हैं 2। तो मुझे लग रही है बहुत तेज धूप और मैं फिर से आ गई हूँ यही वाले फन रिपब्लिक वाली लेन में और मुझे आ गया है एक स्टॉल बहुत ही ज्यादा पसंद। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। भैया क्या क्या है यहाँ पे? अरे बाप, तो ये पराठा देखने में बहुत ही यम्मी लग रही है। कितना कर गया है पराठा? अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 30 रुपया यार मेरा तो बजट थोड़ा हिल गया पर मुझे खाने का मन भी यही कर रहा है। लंच थोड़ा हैवी खाना चाहिए, देखते हैं फिर डिनर में थोड़ा कट कर लेंगे। भैया फिर एक प्लेट ये पराठा कर। देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है बट पहले मैं अपना हाथ सैनिटाइज करना चाह रही हूँ। ओह
क्योंकि सुबह से घूम रही हूँ, सैनिटाइज तो करना बनता है। अभी मैं टेस्ट करती हूँ ये क्या कैसा लगता है। गरम है, हो गर्मा गर्म पराठे का मजा ही कुछ और है। थोड़ा चटनी में डालती हूँ और मेरा पहला लंच का बाइट। अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा टेस्ट। आखिरी बाइट, पेट भर चुका है बहुत ही ज्यादा क्योंकि क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा था। तो हो चुका है मेरा लंच कंप्लीट। तो अभी इतना ज्यादा खाना खा के पेट तो मेरा एकदम फुल हो चुका है और आ रही है बहुत ही ज्यादा नींद। तो अभी घर जाते हैं, थोड़ा सोते हैं और फिर देखते हैं कि इवनिंग स्नैक में मैं क्या खाती हूँ। भैया बहुत टेस्टी आपने पराठा खिलाया, थैंक यू। आपका ये जो लुक है मुझे ना वो आमिर खान, गुलाम के आमिर खान जैसा लग रहा है ना, वो आती क्या खंडा ला वैसा ही है क्या है? ये लो यार, बहुत ही वो लग रहा है मुझे। मेरा 30 रुपए चले जाने वाले है और बचने वाला है बहुत ही कम पैसा। तो देखते हैं अभी और क्या क्या खा सकती हूँ मैं इतने से रुपए में। थैंक यू भैया, बाय। बहुत ही स्वीट भैया थे, मुझे 30 रुपए में बहुत ही टेस्टी खाना मिल चुका है। अब जाते हैं घर और थोड़ा सोते हैं। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मेरी थर्ड मील यानी कि मेरी चाय की टाइम तो हो चुकी है। तो पहुंच गई हूँ मैं चाय की टपरी पे, कटिंग चाय पीती हूँ। चलो भैया, कितने करके चाय? 7 रुपये। यस। और मुझे चाय के साथ थोड़ा कुछ बिस्किट वगैरह, ये बेकरी वाले बिस्किट तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो पूछ लेती हूँ पहले कितना मेरे बजट में आता है कि नहीं। भैया ये कितना करके है? 5 रुपये। और ये? ये और वो सेम है क्या? नहीं नहीं, अलग है, ये अलग है। ये क्या है, स्पेशल क्या है इसमें? अच्छा, और उसमें अच्छे होंगे कुकीज में ये और ये भी अच्छे हैं और ज्यादा अच्छे हैं, ये सबसे अच्छा है। तो भैया एकदम मस्त कड़क अदरक वाली चाय पिला दो और उसके साथ मुझे ये बिस्किट भी दो। तो मेरा कितना हो गया चाय का? 7 रुपया और 5, 7 और 5 13, 12। अच्छा, ओ मेरे मैथ तो वीक है, बाजू वाले भैया ने कुछ बोला। थैंक यू भैया कि आपने मुझे इतना बड़ी मदद करी, मेरी 1 रुपया बच गया यार। ठीक है तो 12 रुपया, नॉट बैड। यस, तो बना दो बन भैया। बन चुकी है मेरी चाय, वाओ थैंक यू भैया। और ये बिस्किट भी दे दो, आप तो भूल ही गए। ये टूटा हुआ है क्या? नहीं। थैंक यू, थोड़ा हंस के बता दो मेरे चैनल में, थोड़ा हंस तो दो। अरे आप शर्मा रहे हो, हंस ही नहीं रहे हो। चलो मिल गया है मेरी बिस्किट और चाय, अभी मैं इसमें डुबोती हूँ और इसका मजा लेती हूँ। एक रुपए का बहुत ही ज्यादा अहमियत पता चल रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में पूरा दिन आज का खाना खाना है मुझे।
ये लो भैया 10 रुपया 2 रुपया 12, ठीक है, थैंक यू। हेलो, तो हो क्या है मेरा रेस्ट, तो अभी बजा है शाम को 7:30 बजे, क्योंकि अभी चल रहा है बॉम्बे में कर्फ्यू, कैसे तैसे करके अभी मुझे निकलना है और मेरा डिनर खत्म करना है, नहीं तो पता चले मुझे कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। तो सुबह मैंने खाया है ब्रेकफास्ट 20 रुपए का, देन लंच 30 रुपए का और 12 रुपए का चाय बिस्किट, तो टोटल हो गया 62 और बचा मेरे पास 38। तो 38 में ही मुझे कैसे तैसे करके आज का डिनर मैनेज करना पड़ेगा, तो देखते हैं मैं क्या खाती हूँ। तो घूमते फिरते सोचते समझते आ गई हूँ मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो मेरे पास बचा है सिर्फ 38 रुपीज और शायद मुझे मिल जाए आज रात का डिनर 38 रुपीज में, तो चलो देखते हैं। यार पानी पूरी खाने का मन कर रहा है पर पानी पूरी का बजट तो नहीं बनेगा, तो आई थिंक आज मेरे दिल को मारना पड़ेगा और इस आइडिया को चेंज करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, चलते हैं कुछ और देखते हैं। अरे यार सबसे लोएस्ट भी 50 में मिल रहा है, मेरे बजट का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो चलते हैं दूसरे कोई जगह। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ जंबो किंग, तो देखते हैं कि मेरे बजट में यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। मेरा बजट है 38, तो यहाँ पे 25 का मिल रहा है रेगुलर जेके, ग्रिल जेके 30-35, बटर ग्रिल जेके। अब मुझे लग रहा है मैं ये चैलेंज जीतने वाली हूँ। यस, तो फिलहाल मुझे लेने पड़ रहा है ये रेगुलर जेके बर्गर, अगर मैं ये लेती हूँ तो शायद इसके साथ मेरा डेजर्ट भी बन जाए। भैया एक रेगुलर जेके, वन रेगुलर जेके। चलो एकदम गरम सॉस में नहीं खाती। यम्मी मेरा डिनर। बहुत टेस्टी है, वेरी यम, मुझे लगा नहीं था इतना टेस्टी होगा वेज बर्गर, इट्स वेरी टेस्टी, आप लोगों को ये ट्राई करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बेसिकली इनके बर्गर्स जो हैं बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, जैसे आपने खुद ही देखा कि 25 रुपीज़ में बर्गर मिलना वो भी बॉम्बे में, इट्स लाइक
आपको भगवान मिल जाना। तो मेरा लास्ट बाइट बचा है अभी, ये मैं खाती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि अभी मेरे पास बचा है 13 रुपीज, तो लेट्स सी कि वो 13 रुपीज में मुझे कुछ अच्छा डेजर्ट भी खाने को मिल जाए। तो हो जाएगा सोने पे सुहागा। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ आइसक्रीम शॉप में, तो देखती हूँ कि मेरे बजट में यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। भैया यहाँ पे सबसे कम रेंज में क्या आइसक्रीम है? 10 रुपया, 10 रुपये में आता है आइसक्रीम। ऑरेंज भी है और क्या फ्लेवर्स है? अरे वाह, कोला भी है और लेमन। वाओ, मुझे लगा नहीं था कि 10 रुपये में भी मुझे आइसक्रीम मिल जाएगी। तो मैं लेती हूँ चॉकोबार। थैंक यू भैया, आपने तो आज मेरा दिन बना दिया और मैं चैलेंज जीत चुकी हूँ। 3 रुपया ज्यादा अभी भी बचे हैं मेरे पास। So guys, हो चुका है मेरा डेयर कंप्लीट। मैं हार चुका हूँ यार, देखो नहीं पता था कि ये हारे मतलब बहुत ही बुरा हारे। 3 रुपया मैंने बचा लिया है, ये लो ये रखो, तुम्हारे काम आएंगे। देखो नहीं पता था ये सच में 100 रुपये में पूरे दिन अपने 5 मील्स कर ली थी कवर, और इसने लिटरली कर लिया। तो लाइक वेरी गुड, अभी रोज ऐसे ही करना। अगली बार 50 रुपये दूंगा मैं तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, 50 रुपीज चैलेंज। नो नो, उसमें सिर्फ एक ही टाइम का होता है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डेयर वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल मिष्टी मऊ शबा।